स्पेशल घेवर मेकिंग एट सैनी शॉप भरतपुर। ये हमारे हलवाई साहब, भैया क्या नाम है आपका? क्या कपूर चंद? कपूर चंद, तो मतलब एक गाने सीखने में कितना टाइम लगता है अप्रोक्स? तो गाइज ये जो सीख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कटोरीज हैं इसमें सीख रहे हैं, तो अप्रोक्स 15 से 20 मिनट लगता है इसको सीखने में। और ये सीखने के बाद फिर ये इस स्टेज पे आ जाता है, और ये देखिए ये रखे हुए डिजाइन से, और फिर वो स्टॉक है इनका, ये स्टॉक रखा हुआ है। तो भैया एक चीज़ बताओ मेरे को आप, मतलब ये रक्षाबंधन आ रही है तो इसके पर में बनाए जा रहे हैं रक्षा, तो मतलब रक्षाबंधन कितने दिन पहले स्टार्ट हो जाता है ये कार्यक्रम? अच्छा, तो रक्षाबंधन से 15-20 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है ये पूरा। और ये है देवर रखे हुए हैं अभी बन के, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, और यहाँ से स्ट्रोक है, और ये गर्म हो रही चाशनी, इसके ऊपर भी चाशनी लग के फिर ये हो जाएगा खाने लायक। और ये है अभी दुकान, आप सैनी नाम देख लीजिए, सैनी फास्ट फूड, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं। चीपेस्ट एंड सॉरी चीपेस्ट तो नहीं, अच्छी क्वालिटी माल मिलता है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो एक बार आके। ये हमारे बिक्की भाई साहब, हलवाई साहब आ ढंग से बना के ले जा रहा हूँ। और ये हमारे सेकंडली हलवाई साहब, राधे भैया, राधे राधे भाई साहब। तो ये है सीन अभी का, आई होप वीडियो पसंद आएगी, आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आए, वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब का बनता है, और ये स्टेप और देख लीजिए कैसे कैसे बनना है। भाई बेड है, अब इनमें हो रहा है थोड़ा छेद, जिससे उठाने में आसानी हो जाएगी। है भैया, तो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। और जो इसका पेस्ट होता है ये किसका बना होता है भैया? ये बोतलों में भरा हुआ है जो, ये है दूध और मैदे का, दूध और मैदे का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा, और ये बाल्टी में रखा है, इसका भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा नज़ारा। ये रहा गोल, और इसमें बोटल्स में भरा हुआ है, और बोटल्स में हो रहा है होल, इसके थ्रू ये बनता है। अब ये इसमें यहाँ से इसमें ऑयल डाल दें, ऑयल से ये होता है कि अच्छी तरीके से मतलब सिक रहे हैं और पक रहे हैं, सारे सिक्के आ जाते हैं। हाँ, सारे सिक्के हुए आते हैं, अच्छे अच्छे जालीदार तभी तो बनते हैं जब ऊपर से डालते हैं ना ऑयल इसमें, तो जालीदार तभी आते हैं। तो बस ये फाइनल स्टेज पे है, इसके बाद ये निकलेंगे। अब देखिए अच्छी तरीके से को मतलब बिल्कुल कुक हो गए, अब भैया निकालेंगे इनको थोड़ी देर में, और पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ गाइस मैं आपको, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है वीडियो को। और भैया कर रहे हैं इनको यहाँ से ऊपर ट्रांसफ़र। ये स्टॉक है ऐसा, कितना स्टॉक तैयार कर दिया अब तक आपने? बीस एक क्रेट तैयार हो गया? ओ माय गॉड, तो गाइस 20 एक क्रेट तो बन के तैयार हो गया, जितना ये इस स्टेज पर रखा है ना। कितना माल होगा भैया अप्रोक्स? ये 300 किलो, मतलब 300 पीस हैं एक क्रेट में। बीस किलो में 300 किलो, 20 लगाई और 300 किलो बजाने, तो ये टोटल जो इसका वेट है ना गाइस, इसका वेट अप्रोक्स बता रहे हैं भैया 15 किलो। क्या हो गया काहे को? और ये फाइनल आ गए सिक्के, और फिर इनपर चाशनी कब लगाते हैं भैया? अच्छा चाशनी वाले हैं क्या वो? अच्छा वो सामने रखे ना, वो अखबार अखबार में लपेट के वो हैं। अरे तो ठीक है,
ये रखे हुए हैं गुरु, ये मतलब चाशनी वाले रेडी हो चुके हैं, ये बिकने वाले हैं और ये भी बनना है, ये इनका चला है प्रोसीजर। ओके, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।